हाय गाइस, मेरा नाम मन्ना है। दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं मेरे हाथ में ये सैमसंग का मोबाइल है J5 Prime, और इसका जो मॉडल नंबर है G570F। तो दोस्तों आप इस मोबाइल में देख रहे हैं कि यहां पे जो इसमें मोबाइल में FRP लॉक है, और इसका FRP बाईपास हम करेंगे अपने UMT डोंगल से। तो दोस्तों UMT डोंगल से इस मोबाइल का बाईपास करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि UMT डोंगल से इसका बाईपास कैसे होगा, तो फिर इस वीडियो को अब लास्ट तक का देखते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्ना YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर रखा है और अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया, तो इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा, जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने UMD डोंगल को ओपन कर लिया है, अल्टीमेट मल्टी टूल को ओपन कर लिया है, सैमसंग टूल हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे अल्टीमेट फ्लैशर पे हमें क्लिक कर देना है। अल्टीमेट फ्लैशर पे क्लिक करने के बाद एक सैमसंग का जो फ्लैशिंग टूल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लैशिंग का ऑप्शन है, उसके बाद कस्टम फ्लैशर का ऑप्शन है, एडवांस फ्लैशर का ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पे कस्टम फ्लैशर पे आपको क्लिक कर देना है सिंपली। उसके बाद आपको यहाँ से अपना जो क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन फाइल जो है उसे सिलेक्ट करना है। हमने अपना कॉम्बिनेशन फाइल जो है डेस्कटॉप पर रखा है। इस कॉम्बिनेशन की फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसकी लिंक आप भी डाउनलोड कर सकते हैं इस फाइल को। तो इस फाइल को हमें सिंपली यहाँ पे ओपन कर लेना है। इस फाइल को हमें सेलेक्ट करना है अपने इस टूल में। उसके बाद हमें इस फाइल से टोटल फाइल से हमें फ्लैश नहीं करना है, इसमें सिर्फ हमें जो है बूट इमेज फाइल से फ्लैश करना है इस मोबाइल को, इसका ADB इनेबल करने के लिए। तो हमें बाकी फाइल का जो है अनचेक कर देना है, सबका चेक हटा देना है, सिर्फ हमें बूट इमेज फाइल का चेक लगाना है, और बूट इमेज फाइल से हमें सिर्फ फ्लैश करना है इस मोबाइल को, और इस मोबाइल का ADB इनेबल हमें करना है किसी भी तरह से। तो जब इस फाइल से हम इस मोबाइल को फ्लैश करेंगे, तो उसके बाद हमारा मोबाइल जो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा, और रिस्टार्ट होने के बाद ये मोबाइल कम्प्लीटली ऑन होने चाहिए। और ये मोबाइल अगर कम्प्लीटली ऑन होता है, तो उसके बाद इसका ADB जो है ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा, डिवाइस मैनेजर में हमारा जो ये ADB पोर्ट यहाँ पे शो करने लगेगा, ठीक है। और मान के चलिए इस बूट इमेज फाइल से हम फ्लैश कर रहे हैं इस मोबाइल को, और ये मोबाइल अगर लोगों पर अटक रहा है, मोबाइल कम्प्लीटली ऑन नहीं हो रहा है, तो ऐसे हालत में करना क्या है कि इस मोबाइल को दोबारा फैक्ट्री रिसेट में जाना है, रिकवरी मोड में जाना है, और इसका फैक्ट्री डाटा रिसेट कर देना है, ताकि ये मोबाइल ऑन हो सके। यानी किसी भी तरह से मोबाइल को हमको ऑन करना है इस फाइल को फ्लैश करने के बाद। और ये मोबाइल अगर ऑन हो जाता है, तो उसके बाद इसका ऑटोमेटिकली जो है इसका ADB इनेबल हो जाएगा, तो हम इसका FRP रिसेट कर सकते हैं। उसके बाद बता दूं मैं आपको दोस्तों कि जब इस मोबाइल को हम फ्लैश करेंगे कॉम्बिनेशन फाइल से, तो हमें अपने मोबाइल को ऑन करके सिंपली लगा देना है अपने कंप्यूटर में। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली हमारा मोबाइल जो है ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग मोड पर चला जाएगा और फ्लैशिंग शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका फ्लैशिंग शुरू हो चुका है। तो दोस्तों जैसे हमारा मोबाइल कम्प्लीटली इस कम्बिनेशन फाइल से फ्लैश हो जाएगा, उसके बाद हमारा ADB इनेबल हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे डिवाइस में जब ADB पोर्ट यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद हमें करना क्या है कि यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसेट FRP ADB मेथड हमें सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद हमें डायरेक्टली इसका FRP रिसेट करना होगा। तो इस तरह से हमारा FRP जो है रिसेट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपकी किसी काम आए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।